नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा प्लान लेके आए हैं, बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार ये प्लान है, एकदम बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार एडजस्ट किया गया। ये उत्तरमुखी घर है, इसके डिजाइन को इतना अच्छे से एडजस्ट किया कि इसमें 2 BHK आपको मिल जाता है, एक पार्किंग एरिया मिल जाता है, बड़ा सा पार्किंग एरिया प्लस लिविंग एरिया, ये खुला सा जगह भी रख सकते हैं या आप इसे शेड भी बना सकते हैं। ये पार्किंग एरिया है, आइए इसमें शुरू करते हैं किस प्रकार से हमने इसे एडजस्ट किया गया। लंबाई चौड़ाई की सबसे पहले समझ लें, इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 20 फीट, लंबाई 40 फीट, लेकिन अगर आपके पास चौड़ाई 18 फीट है से लेकर 25 फीट, 18 से 25 फीट वाले चौड़ाई में ये घर का प्लान एडजस्ट हो जाएगा। आपके पास 25 फीट है, 24 फीट है, 23 है, 20 है, 22 है, 21 है, तो उसमें ये प्लान को एडजस्ट आप कर सकते हैं। लंबाई की बात करें तो हमने 40 फुट में ये निर्माण किया है, आपके पास 50, 60, 70 हो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर 40 से 2-3 फीट कम भी हो तो इसमें भी ये एडजस्ट हो जाएगा। आइए लंबाई चौड़ इस तरह से आपको प्रवेश करना है, ये आपका मुख्य द्वार हो जाता है उत्तर दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। दिशाओं को समझ लिया, अंदर आते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे ये आपको पार्किंग एरिया है जहाँ आप अपनी 4-व्हीलर को और अन्य गाड़ियों को कर सकते हैं। ये आपका वन सीढ़ी है जो ऊपर की ओर चला जाता है बाहर से, आप यहाँ से प्रवेश करते हैं, हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। हॉल जो 12x12 लगभग 150 स्क्वायर फीट का आपके पास हॉल तैयार मिल जाता है, बहुत ही अच्छा से जगह पर। यहाँ आपको ये रूम मिल जाता है 10x11 फीट का, 11 फीट है ये, 10x11 का ये रूम मिल जाता है आपको। यहाँ 2 शौचालय मिल जाते हैं, आप चाहे तो दोनों में से किसी शौचालय के इस रूम या इस रूम के साथ अटैच्ड कर सकते हैं, हमने यहाँ बाहर बनाया लेकिन आप एक शौचालय को अटैच्ड कर सकते हैं। ये लेटरिन बाथरूम दोनों इसमें एक बड़ा साइज है, 4x8 मतलब 48 स्क्वायर फीट। ये रूम की बात करें 10x11 बड़े साइज का मास्टर बेडरूम है, इसका ये डोर है, ये जितने सिंबल है सभी डोर के सिंबल। इसमें जो है दक्षिण दिशा में शास्त्र के अनुसार विंडोज नहीं देना है, तो खिड़कियाँ हमने नहीं दी है, पश्चिम दिशा में खिड़कियाँ दी है। ये आपका रसोई घर है, किचन 8x10 का, ये आपके रसोई घर का स्लैब, इसे पूरब दिशा में आपके लिए विंडो दी गई है। जैसा कि हमने बताया कि ये हमने 12 और यहाँ से यहाँ 12 है, यहाँ से यहाँ 8 है, 12 8 20, अगर वॉल की बात करें तो 15 इंच वॉल इसमें चले जाएंगे या 1 फीट चले जाएंगे तो 20 1 21 फीट, और आप अगर खिड़कियां छोड़ते हैं तो दोनों साइड 1.5-1.5 फीट आपको जगह छोड़ना पड़ेगा। तो कुल यह निर्माण इस घर का जो हमने बनाया है आपको 24 फीट चौड़ाई में ये निर्माण कंप्लीट कर सकते हैं, आपको 20 फीट से 25 फीट चौड़ाई में ये निर्माण बहुत अच्छा से एडजस्ट होगा। 28 फीट भी चौड़ा हो तो आप इस प्लान को वहाँ सेट कर सकते हैं, थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा देनी होगी, या फिर आप आउटडोर जगह स्पेस को अधिक छोड़ सकते हैं, आप इधर गली भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो गली की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, आपको रोशनी अधिक आएगा। मैंने इस प्लान को आप चाहे तो 18 से लेकर 25 फुट और ये 35 से लेकर 50, 60, 70 जितना भी लंबा हो वहाँ इस प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लान है, बिल्कुल वास्तु के अनुसार। अग्निकोण में रसोई घर दे दिया गया है, पूरब की तरफ आपको हॉल दे दिया गया है, पश्चिम की तरफ दोनों शौचालय बना दिए गए हैं, दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण में दिया गया है, एक बेडरूम आपको पश्चिम दिशा में दिया गया है, ये भी बड़ा साइज का आपको बेडरूम 110 स्क्वायर फीट का बेडरूम मिल जाता है, इसकी खिड़कियाँ यहाँ मिल जाती है, एक दूसरी खिड़की सामने मिल जाती है, प्रॉपर विंडोज दिए गए, खिड़कियाँ होनी चाहिए। आपको ईशान कोण में एक बड़ा सा जगह मिल जाता है, खाली जगह आप रख सकते हैं, अगर आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल रख सकते हैं, ये पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है, और ठीक यहाँ वायु कोण में आपको सीढ़ियाँ मिल जाती है, वो भी पश्चिम दिशा में क्लॉक वाइज सीढ़ियाँ आपको बनानी है। ये बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण है, आप चाहे तो इससे मिलता जुलता प्लान। अगर आपको अन्य प्लान को देखना हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इसमें नए नए प्लान और नए नए डिजाइन के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ नई नई बातें हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।